प्रीवियस वीडियो में जिस तरह से मैंने बियर्ड ऑयल की रिव्यू वीडियो बनाई थी, वहाँ पे मैंने पूरी एक अनबॉक्सिंग की थी उस बियर्ड ऑयल की, क्योंकि मेरे जो बाल थे बियर्ड के काफ़ी ज़्यादा रोड़े हुए थे, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा झंझर से, मतलब चिड़िया का घोंसला टाइप बने हुए थे। तो मैंने इस तरह से फिर वो ऑयल देखा, तो ऑयल ये दाढ़ी मूछ वालों का ये हमारा ऑयल था। तो ये मैंने ऑयल इंटरनेट पर देखा, तो मैंने ऑर्डर किया। तो कीमत वगैरह जो भी थी वहाँ पे मैंने मेंशन की हुई, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं वीडियो। तो ये वीडियो आप तब देखें जब वो वाली वीडियो आप देख रहे हैं। तो अब दाढ़ी मूछ के जो ये ऑयल है बियर्ड ऑयल, इसका पूरा ओवरव्यू जो कि डेढ़ महीना मैंने आई थिंक एक महीना से डेढ़ महीने तक इस ऑयल को यूज़ किया, और उसके बाद क्या नतीजा आया है कि दाढ़ी मूछ के इस ऑयल के डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल इस ऑयल के डिसएडवांटेजेस भी हैं। जहाँ एडवांटेज मिलता है वहाँ डिसएडवांटेज मिलता है। क्या क्या मिलता है जानेंगे आज इस वीडियो में। पिछली वीडियो में एक से डेढ़ महीना मैं पिछली वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पे पूरा मैंने दाढ़ी मूछ के इस ऑयल की अनबॉक्सिंग की थी, और वहाँ पे प्रॉपर बताया था कितने का ऑर्डर किया था, कहाँ से ऑर्डर किया था, कितने का है, सब कुछ डिटेल वहाँ पे मैंने बताया था। अगर आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी तो पहले जाइए वहाँ पर देखिए, देन इस वीडियो पे आइए। आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ऊपर आई बटन पर भी आ रहा होगा। अब बात करते हैं दाढ़ी मूछ के ऑयल पे, बियर्ड ऑयल पे, ठीक है। तो अब बात इसलिए करते हैं क्योंकि यार मैं डेढ़ महीने से यूज़ करूँ, और फिर अपनी प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि एक महीने या डेढ़ महीने बाद इसको प्रॉपर यूज़ करने के बाद आपको बताऊंगा कि इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ओवरव्यू पूरा इसका मैं दूंगा। तो अब बारी है इसके ओवरव्यू की कि कैसे ये काम करता है एग्जैक्टली। इसकी परफ्यूम है, मतलब कि ऑयल जो है काफ़ी अच्छा, मतलब क्वालिटी का मुझे लग रहा है, क्योंकि जो मेरे बाल थे पहले, अगर मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में आप देखें तो ज़रा शायद आपको ना भी दिख रहे हो अपनी मेरी वीडियो में, क्योंकि यार मुझे जब मैं मिरर के आगे होता हूँ तो मेरे जो बाल हैं वो मुझे क्लियरली दिख रहे होते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, एंड बढ़ने के साथ ये इस तरह से कुछ ऊपर की तरफ गोल होने स्टार्ट हो गए थे। तो उसके बाद मैंने ऑयल देखा, मैंने ऑयल ऑर्डर किया और लगाया। जब से लगाना स्टार्ट किया मेरे जो बियर्ड के बाल हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट हो गए, अभी आपको बिल्कुल एग्जैक्ट दिख रहा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेजेस मेरे स्किन पर पड़ा है, वो क्या पड़ा है कि मेरे जो बियर्ड के बाल हैं इनके अंदर खुश्की पड़ गई है, डैंड्रफ पड़ गई, और काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ पड़ गई, और मुझे ख़ारिश भी होती है अब जब से तेल मैंने ये वाला ऑयल यूज़ किया है। उससे पहले नहीं होती थी, उसके पहले जो मेरे बाल थे थोड़े घुंघराले टाइप थे वही ठीक थे, बट जब से मैंने ऑयल यूज़ किया है उसके बाद हो सकता है कि मेरे जस्ट स्किन में थोड़ा इशू हो, या फिर हो सकता है बाकियों को भी इशू फेस करने को मिले। तो मेरे जो स्किन है इसमें बहुत डैंड्रफ आ गया और मुझे ख़ारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ एक और डिसएडवांटेज, वो भी बड़ा मेन किस्म का डिसएडवांटेज जो कि मेरी स्किन में आया, कि पीप वाले दाने नहीं होते छोटे छोटे, पीप वाले दाने मेरे इस लोकेशन पे ये जो चिन है मेरी चिन, यहाँ पे मेरे जो पीप के दाने हैं बहुत ज़्यादा इस ऑयल को लगाने के बाद निकलने शुरू हो गए। अब मुझे यहाँ पे जब ख़ारिश होती है, मैं ख़ारिश करता हूँ ना, तो ख़ारिश करते करते वो जो पीप के दाने हैं जो कि इस ऑयल की वजह से यहाँ पर मुझे पड़ गए हैं, तो मैं जैसे इसको ख़ारिश करता हूँ तो वो फट जाते हैं, और फटने के बाद उसका जो पीप है, मतलब कि एक अजीब किस्म की यहाँ पे जो पीप का जो अंदर से गंदा पानी निकलता है वो निकलता है, और ये दाढ़ी जो है मेरी बिल्कुल वाइट हो जाती है, कभी कभी तो बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है जिसकी वजह से वाइट हो जाता है, कभी कभी जो उसका जो पीप का जो पानी होता है वो बिल्कुल पतला होता है, तो इस वजह से दाढ़ी जस गीली करता है, दिख नहीं रहा था कि यहाँ से पीप आ रही है। तो ये इस ऑयल के कुछ डिसएडवांटेज मेरी स्किन पर हुए हैं, हो सकता है कि आपकी भी स्किन पर हुए हों। ओवरऑल ऑयल अच्छा है, जब से मेरी डैंड्रफ पड़ी और मुझे ये दाने शुरू हुए हैं उसके बाद मैंने लगाना ऐसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि यार ठीक है बाल को तो ये ठीक करिए, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी मेरे स्किन पे पड़ने लग गए हैं, जिसकी वजह से बेहतर यही है कि भाई सरसों का तेल बंदा ले ले और वो ही हल्का हल्का अपनी ब्रेड पे लगा दे और दाढ़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये ऑयल महंगा भी है एंड इसके डिसएडवांटेज भी स्किन पे पड़ते हैं, क्योंकि जिस तरह से डिफरेंट लोग होते हैं ना, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट जिस्म होते हैं, डिफरेंट स्किन्स होती हैं, हर स्किन पे ये जो ऑयल है डिफरेंट तरह का बिहेव करता है। तो मेरी स्किन पे इसने जो बिहेव किया है, डैंड्रफ प्लस पीप वाले दाने, और मेरी जो स्किन नीचे वाली है इस पर काफ़ी ज़्यादा मुझे ख़ारिश होने शुरू होगी जहाँ जहाँ मेरी बियर्ड है। ओवरऑल
नॉट बैड नॉट सो बैड बट मेरी स्किन पे इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान किए हैं, क्योंकि 1000+ है, आई थिंक 1200 to 1500 के आसपास ये ऑयल है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, बट एक्सपेंसिव के होते होते साथ में इसने जो नुकसान किए, डिसएडवांटेजेस हैं इसके, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। हो सकता है कि आपके साथ ये ना हुए, हो सकता है मेरे स्किन से भी ज़्यादा आपकी जो बेड है यहाँ पे नीचे नीचे, जो यहाँ पे आपकी बेड है, दाढ़ी है, वहाँ पे आपके कुछ ना कुछ इन्फेक्शन वगैरह हुए होंगे। तो आपको भी अगर कोई डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शन वगैरह दाढ़ी पे हुए हैं तो कॉमेंट बॉक्स पे आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यार ये चीज़ जो है ना बेशक अच्छी है लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इसके, और स्किन पे इफेक्ट कर रही है। अगर इफेक्ट कर रही है तो आप मुझे भी बताएं, और ताकि हम इस टीम के साथ रब्ता करें कि यार आपकी इस प्रोडक्ट अच्छी है, लुकिंग भी अच्छी है, यूज़ करने में भी अच्छी है, प्रोडक्ट का काम भी करिए, लेकिन आपको अब ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि कौन से बंदे पे ये क्या रिएक्ट करता है, क्योंकि यार वो मेरे ख्याल से उन्हें ऐसी कोई चीज़ इसमें डाली है जो किस चीज़ पे इफेक्ट कर रही है, तो उन्हें नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि यार ये जो चीज़ बेच रहे हैं बेशक अच्छी क्वालिटी की बेच रहे हैं लेकिन दूसरे बंदे की स्किन पे ये इफेक्ट कर रही है। हो सो आपको ये वाली वीडियो ज़रूर पसंद आई, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी, क्योंकि यार मुझे नहीं लगता इससे पहले इस तरह की किसी ने वीडियो बनाई, अगर बनाई है तो वेल एंड गुड यार। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, इफेक्टिव वीडियो थी, स्किन की वीडियो थी। होप्स आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।